अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मुनीबुर रहमान और आज आप आ चुके हैं एक और नए एपिसोड में, सातवें एपिसोड में। जिसने सबसे पहले आपको बता दूं कि 6 एपिसोड नहीं देखे तो चैनल पे जाए और चैनल पे जाके वो एपिसोड्स देख ले 6 के 6। लाइक भी करे सबको और चैनल को भी सब्सक्राइब करे। बलूचिस्तान टूर चल रहा है हमारा और आज 7वां एपिसोड शुरू हो गया, लेकिन बाकी एपिसोड की तरह इसमें भी कुछ आपको रात के मनाजिर दिखाते हैं। हमने खाना पीना शोल किया और जो गुजरी हुई रात की बात कर रहा हूँ, और चाय कावा छावा चलता रहा, तो पहले वो देखें और फिर आए। आज शुरू करते हैं हम अपना 6ठा एपिसोड। इस दफ़ा लंबी लंबी रोटियां तो नहीं मगर लंबी लंबी बोटियां हैं। हम ऐसे ही कहते थे, 3-3 रोटी खाते हैं, इधर आके पता लगा कि इनकी आधी रोटी बनती है। ये है योप का खूबसूरत सा बाजार, छोटा सा है मगर बड़ा ही प्यारा लगा मुझे। हमारी गाड़ी के भी थोड़े से दीदार कर लें, क्या ही ज़बरदस्त गाड़ी है तो नॉन कस्टम प्लेट लेकिन बड़ी गाड़ी है भाई। बाजारों का सफ़र करते करते इस दफ़ा पहाड़ों की वादी में नहीं आए, मैदान नज़र आ रहे हैं, लेकिन जा रहे हैं वहीं पहाड़ों की तरफ ही। अच्छा, जैनुला के दोस्त हैं? हाँ, जैनुला के दोस्त हैं, जैनुला हमारा कज़न होता है। अच्छा अच्छा, कज़न है। बाबा ये व्यूज़ के लिए कितना कुछ करता है। धनी उधर क्यों आग लगा रहे थे, खाना तो यहाँ पर सिलेंडर में बन रहा है। टमाटर काटती है जैनुला, इधर टमाटर काटती है। तो चलें फिर, इजाज़त दें अगले एपिसोड तक, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। आज फिर खाते हैं लांदी। अच्छा, उनका एक रिवाज था कि खाने के बाद उनकी एक शीन चाय होती थी। शीन चाय ये कावा समझ लें आप, और उसके साथ कुछ मीठा गुड़ वगैरह हो जाता था। तो फिर उस दिन भी चली फिर शीन चाय, तो चाय पीते हैं। हाँ जी, तो खा लिया आपने खाना, कावा वावा सब कुछ हो गया। अच्छा, वो डिश आपने देखी ना लांदी, वो यहाँ की बहुत ही मशहूर डिश है। पिछली रात भी हमने वही खाई थी और कल रात भी वही खाई है, तो बड़ा मज़ा आया। खाना पीना भी टाइट चल रहा है, घूमना फिरना भी टाइट चल रहा है। तो आज अभी आप देख रहे होंगे मैं एक पुल पर खड़ा हूँ, बड़ा खूबसूरत पुल है। इसके नीचे जो है ना, नीचे से रास्ता है, ऊपर से पुल गुजर रहा है। तो अभी हम यहाँ से जाएंगे, आज कह रहे हैं कि पहाड़ों का कोई इरादा है। जगह का नाम बताया था, इनकी जो जगहों के नाम बड़े मुश्किल होते हैं, तो याद तो मुझे नहीं हुआ, लेकिन चलते हैं, नाम भी पूछेंगे आपसे, मुलाकातें भी करवाएंगे जो साथी हैं, कभी गाड़ी तो कभी बाइक, आज बाइक पर जा रहे हैं, चलो कोई बात नहीं। तो चलते हैं फिर पहाड़ों पर, आज पहाड़ दिखाते हैं आपको, चले। कितने सुनसान रोड है ना, डकैती भी हो सकती है। अरे कराची थोड़ी है, बलूचिस्तान है भाई। तो फिर से जो हम शॉर्ट्स लेने वाले हैं ना, वो क्या ही खतरनाक तरीन शॉर्ट्स हैं, यानी कि वही नीचे से वाले शॉर्ट्स, यानी कि मोटरसाइकिल के टायर के साथ लगा के शॉर्ट्स लिए हमने, बड़ी मेहनत की है हमने। बाबा फिर से नीचे से शॉर्ट्स ले रहा है, देखो बड़े अच्छे होते हैं। अच्छा, फिर वही आपने देखा कि सारे दूर दूर पहाड़ नज़र आ रहे थे, लेकिन आपको बताया ना कि जा रहे हैं हम पहाड़ों की तरफ ही थे। तो अब आएंगे करीब पहाड़, क्योंकि काफ़ी लंबा सफ़र किया और बाइक में ही किया इस दफ़ा भी हमने सफ़र, कभी गाड़ी कभी बाइक। तो अब करीब आ चुके हैं पहाड़ और पहुँचने वाले हैं हम मंजिल मकसूद, तो चलें। तो देख रहे हैं आप, हम आ गए हैं पहाड़ों पर, बहुत ही खूबसूरत जगह है।
अब मेरे पीछे देख ही रहे होंगे, क्या जबरदस्त रास्ता भी बीच से बना हुआ है। मेरे ख्याल से यहाँ कोई दरिया वगैरह पानी भी नजर आ रहा है, तो चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ है। बिल्कुल अभी हम आए हुए भी पहाड़ी इलाके में, और ये पीछे आप देख रहे होंगे घर, ये बनाते किस तरह है, जो बुनियाद के पत्थर होते हैं इससे पूरा घर बना लेते हैं। हमारा हम तो क्या करते हैं, बुनियाद उससे बिछाते हैं, ऊपर ईंटों से घर बनाते हैं, ये बुनियादों के पत्थरों से पूरा घर। तो आप सोचिए कितने मजबूत घर होते होंगे यहाँ पर, और जैसे लोग मजबूत वैसे यहाँ के घर और पहाड़ और हर चीज़ मजबूत। तो बड़ा इन्जॉय कर रहे हैं, बड़ा मज़ा आया। असल में थोड़ी सी आज जो है ना थकावट हो रही है मुझे, इतना ऊपर आए हम तो इसलिए एनर्जी वो नहीं आ रही, लेकिन पूरी कोशिश करेंगे कि एनर्जी दें और इन्जॉय भी हम भी करें और आपको भी कराएं। चलें फिर। ये भी हम थोड़ा सा और नीचे आए थे पानी भरने के लिए, यहाँ पर जो है ना पानी बह रहा है, साफ सुथरा पानी है। तो यहाँ पर हमने कहा पानी भरते हैं, खाना वाना यहीं पर बनाएंगे जिस तरह कल बनाया, और इधर ही पिकनिक पूरी करेंगे। बाइक्स पाए हैं 70 पे, हमने पहाड़ चढ़ा दिए। लोग इधर 4x4 पे पहाड़ पे चढ़ते हैं, हमने 70 पे पहाड़ पे चढ़ गए। तो चलते हैं पानी भरते हैं, आपको पानी भरने के भी सीन्स दिखाते हैं और जगह की जो ब्यूटी आ रही है ये भी दिखाते हैं आपको। बड़ी खामोशी है, माइक मैंने उतारा हुआ है, आप मेरी आवाज़ जो है ना मोबाइल के माइक्रोफोन से ही सुन रहे हैं। और क्या मनाजिर है, मैं भी एक काम करता हूँ, एक पत्थर उठाता हूँ और फेंकता हूँ और देखते हैं कितना दूर जाता है। एक मिनट, पत्थर ढूंढते हैं ये, अच्छा समझ जाए। ये पत्थर, इसको फेंकते हैं देखते हैं कहाँ जाता है। चले, ओ भाई ये तो पहाड़ों को क्रॉस करके आगे निकल गया हैं। आपको अपना जो है ना यहाँ पर जो गेस्ट हाउस में जिसमें हम अभी रुके हुए हैं और खाना वगैरह बना रहे हैं सारे साथी, ये पीछे यही है, बाइक भी हमारी खड़ी हुई है, दूसरी भी साथी। तो ये गेस्ट हाउस चलें दिखाते हैं अंदर, चलें फिर साथ साथ ही चलते हैं। मैंने कहा गपशप भी होती रहेगी, गेस्ट हाउस भी देखते हैं, आ जाए। ये देखें, ये है जो गेस्ट हाउस नहीं बस ये एक हाउस है सिर्फ, हर किस्म के गेस्ट इधर फ्री में रह सकते हैं। चले अंदर चलते हैं, अंदर दिखाते हैं। इधर ही पर खाना वगैरह भी बन रहा है, अभी गोश्त की सफाई हो रही है, और चलें दिखाते हैं आपको। तो ये है हमारे साथी जो कर रहे हैं कुकिंग और लगा रहे हैं शोगल। तो सफ़र वगैरह देख लिया आपने, हमारा गेस्ट हाउस और क्वार्टर वो भी देख लिया आपने। तो अब जो कुकिंग हो रही है वो दिखाते हैं कि कौन टमाटर काट रहा है, कौन वहाँ पर खाना बना रहा है, क्या बन रहा है, कैसे बन रहा है, देखते हैं चलें। बाबा एक बात बताऊं, खुद तो इसने कोई काम किया है नहीं, बस वीडियो ही बनाता रहता है बाबा। ये मरेगा मेरे हाथों से, तू नहीं बचेगा बाबा, तू नहीं बचेगा। अमीर साहब दी प्रोफेशनल शेफ, बाबा रोटी खुल गई रोटी। ओ भाई रोटी नहीं, बंदे बंदे खुल गए बंदे, हाँ नहीं बंदे 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 खुल गए बंदे। बताया ना खाने के बाद चाय का यहाँ रिवाज है। अच्छा खाना वगैरह खाने के बाद फिर हम एक और मकान मकसूद, बहुत ही जो खूबसूरत मंजिल थी हमारी यानी दूसरी मंजिल, वहाँ गए। खाना वगैरह हो गया तो हमने कहा चलो थोड़ा सा और आगे चलते हैं, और यकीन मान लें आप बहुत ही खूबसूरत जगह है,
खुद ही देख लें, ऐसे यकीन नहीं मानेंगे। सफ़र तो खूबसूरत है मंजिल से भी, ये हम सोच रहे थे, लेकिन जब मंजिल पर पहुँचे तो पता लगा कि हम गलत हैं। इधर खाना वगैरह हमने खाया ज़बरदस्त करके, और अभी थोड़ा सा और आगे आ चुके हैं। अगर आपको नज़र आए मेरे पीछे, यहाँ पर वज़ू करते हैं और फिर नमाज़ पढ़ते हैं। और आपको एक मज़े की एक बात बताता हूँ, मुझे भी अभी पता लगा, वो पहाड़ अभी नज़र नहीं आ रहा, मैं वही देख रहा था, आपको इंशाल्लाह वापसी में दिखाएंगे। लेकिन इधर से इस साइड पर मेरे पीछे करीब ही है कि अफ़गानिस्तान का बॉर्डर शुरू हो जाए, यानी अफगानिस्तान के जो है ना वो इलाके शुरू हो जाए। तो अभी उन्होंने एक पहाड़ मुझे दिखाया ज़ैनुल्लाह वगैरह ने, जिसके अगर आप पीक पे बिल्कुल चले जाएँ तो उधर एक बहुत बड़ा पत्थर है, उसके ऊपर आप चढ़ जाएँ, यानी बिल्कुल पीक पे होंगे, तो वहाँ से अगर आप बिल्कुल दूरबीन लगा के या कोई ऐसी चीज़ लगा के देखें तो आपको समुंदर की लहरें भी कहते नज़र आएंगी, नहीं इतना वो ऊपर पहाड़ है। और दूसरी बात, अफगानिस्तान के साथ ही बॉर्डर लगता है उस तरफ, अफगानिस्तान का बॉर्डर, और बर्फ़ बहुत ज़्यादा है उस साइड पर, क्योंकि धूप नहीं लगती। इस तरह की आप देख रहे होंगे सूरज यहाँ से पहाड़ों को लगता है, उस तरफ से नहीं लगता, तो धूप नहीं लगती, तो वहाँ पर अभी भी बर्फ़ यानी कहते हैं पूरा साल पड़ी रहती, तो नज़र भी आती है यहाँ से थोड़ी थोड़ी। तो अब क्या करें, उधर जाएंगे तो उधर बहुत ख़तरा है, बॉर्डर है आपको फिर पता ही है, लेकिन ये कि बॉर्डर के करीब आ चुके हैं। चलें वज़ू करते हैं, फिर नमाज़ पढ़ते हैं, और जो होता है फिर तस्वीरें, कुछ फ़ोटोज़ भी क्लिक करनी है वो भी करते हैं। नमाज़ पढ़ ली हमने, और जगह नहीं दिखाई ना, नहीं बाबा नहीं, जगह नहीं दिखाई। हाँ तो जगह दिखाते हैं आपको खूबसूरत सी। थोड़ी सी गपशप करते हैं, इतने खूबसूरत जगह पर हम आए हुए हैं, पहाड़ जंगलात दरिया, लेकिन खुश भी बहुत हैं। लेकिन आप लोगों से जो है ना एक थोड़ी सी दरख्वास्त भी है, और गुजारिश कह लें जो भी कह लें, लेकिन थोड़ा सा गलत हो रहा है कि सब्सक्राइब बहुत कम है। ऐसे है ना कि बहुत सारे लोग देख रहे हैं, देखने वालों की तादाद काफ़ी सारी है, मैंने चेक किया तो तकरीबन 83% से ज़्यादा लोगों की तादाद, 82-83 तक के, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ था, देखते हैं मगर सब्सक्राइब नहीं करते। यार तो सब्सक्राइब तो कर देना, सब्सक्राइब करने में क्या जाता है, हमारा कुछ फ़ायदा हो जाएगा, क्या कहते हो, करें फिर सब्सक्राइब भी करें। वीडियो नहीं ख़त्म कर रहा, आगे भी थोड़ा सा चलते हैं, मैंने कहा चलो थोड़ी सी आपसे गुजारिश भी कर लें। पानी में मछलियाँ भी हैं अगर आपको नज़र आ रही होंगी कहीं पर, थोड़ा सा पानी हिलाते हैं तो वो देखें कितनी सारी मछलियाँ, तो बहुत सारी यहाँ मछलियाँ भी हैं, इधर फिशिंग भी करने आते हैं लोग। अच्छा ये वाला जो शॉट है ना, ये मैं ऐसे ही ले रहा हूँ सिर्फ आपको पीछे का मंजर दिखाने के लिए, दरिया पहाड़ और इस तरफ जंगल, तीनों चीज़ें साथ, और ऐसा नहीं है कि मैदानी इलाका नहीं है, साथ साथ मैदानी इलाका भी है, चार चार चीज़ें साथ, और साथ आपका भाई 5, और हमारा व्लॉग, और आपका लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट और शेयर सब मिल जाएगा, तो क्या बन जाएगा, मज़ा ही आ जाएगा यार। फन वन कर रहे हैं, ये तो खैर होता ही रहेगा, तो थोड़ी सी फ़ोटोज़ क्लिक कर लेते हैं जल्दी से। देखिए आपने तस्वीरें भी कितनी ज़बरदस्त तस्वीरें हमारे ज़ैनुल्लाह भाई जो है ना क्लिक करते हैं, और बड़ा मज़ा आया। इधर में हमने अरबी में गपशप मारी, पश्तों में गपशप मारी, क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आज हमारा यहाँ पर लोब में जो है ना लास्ट दिन है, और इस व्लॉग को, इस एपिसोड को ख़त्म करने का वक्त आ चुका है। और अगर बाकी एपिसोड नहीं देखें वो भी देखें, लाइक करें सब्सक्राइब करें, चैनल पर मौजूद है, और इसको भी लाइक करें सब्सक्राइब शेयर सब करें, और फिर इजाज़त दें 7 एपिसोड के लिए, और अगले एपिसोड में क्या पता हमारी रवानगी हो रही हो, तब तक के लिए, अगले एपिसोड तक के लिए अल्लाह हाफिज़।